हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज व्लॉग बाहर से ही शूट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और अंकित जा रहे हैं ऑफिस, तो मैं निकली हूँ साथ में थोड़ा धूप में। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब लोग? आज ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है, अभी काम की बहुत काम की नहीं है। डिनर है ऑफिस में, डिनर तो है। लंच है, सॉरी लंच है, इसलिए जाना पड़ रहा है उसे करना काम। तो वही बाद में मीटिंग है, फिर काम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं वो व्लॉग में नहीं आ पा रहा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये मैडम निकली है बाहर, बोल रही है मैं निकली हूँ, थोड़ा राउंड लगाऊंगी, मुझे थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करना है, वो भी कर लूँगी और बाद में विराज को लेके ही आऊँगी। अभी एक दो घंटा घूमूंगी बाहर, एक घंटा रह गया। हाँ, एक दो घंटा घूमूंगी तो विराज का टाइम हो जाएगा, तो मुझे टिश्यू बॉक्स और क्या पनीर का जो देखेंगे, अभी डिनर का भी अभी से ही वो भूल के जाएंगे, तो मैं सब कुछ वही लेके आऊँगी, रात के लिए रेडी कर लूँगी। थोड़ा बहुत शॉपिंग, जो भी ग्रोसरी शॉपिंग मीन्स, वो तो सबका रहता ही है, जो भी प्लान एवरीडे का चेंज होता है उस हिसाब से सबको लेना पड़ता है। मैं तो भूल जाती हूँ, तो दिन में 10 बार मेरे को मुझे लेने नहीं जाना पड़ेगा पर ऑर्डर करना पड़ता है, वो मुझे शर्म आती है कभी कभी। कितनी बार अभी ऑर्डर चलिए गाइस, मैं अभी आ गई हूँ मैक्स में, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि शॉपिंग कर लूँ पर अभी नहीं करनी है। विराज के लिए मुझे अंडरवेयर लेना था तो वो मैंने ले लिया है, अभी अच्छा निकलेगा तो ज़्यादा लेके जाऊँगी। अभी मैं फाइल ले रही हूँ, देखिए यहाँ का कलेक्शन बहुत ही अच्छे है, कपड़े बहुत अच्छे आए बच्चों के, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये वाली पेयर भी मुझे बहुत पसंद आई है, पर विराज को क्या पसंद आता है वो उसको लेके आना पड़ेगा, उसको जल्दी से कुछ भी पसंद नहीं आता है, अभी उसकी अलग ही चॉइस हो गई, पहले जैसा नहीं है कुछ भी। देखिए छोटे छोटे बच्चों के तो बहुत ही अच्छे हैं वो। शॉर्ट्स, यहाँ पर वे इस सेक्शन में तो हमें जाना ही नहीं रहता है, कभी भी दूर से ही देखना रहता है। तो चलिए अभी विराज का तो मैंने ले लिया है, अभी और कुछ पसंद आएगा तो मैं ऊपर जाती हूँ, मेरे लिए कुछ पसंद आएगा तो लूँगी। ऐसे टहलने निकलते हैं, बाद में कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। देखिए यहाँ लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे फ्री टाइम में ऐसे थोड़ा घूम के देखना, टाइम पास भी हो जाता है और अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और कपड़ों की बाबत में तो ज़्यादा अच्छा ही लगता है, देखना लेना और पसंद आता है, पर लेना नहीं रहता है इतना। देखिए एकदम छोटे कपड़े, चलिए अभी ऊपर जाते हैं। वाह, ये देखिए छोटी सी जींस, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, कभी कभी अच्छा अच्छा कलेक्शन आ जाता है। पर जाती हूँ, मेरे लिए कुछ देखूंगी। हेलो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ और अभी हम लोग आए हैं वर्धमान में मना किस लेने के लिए, क्योंकि घर क्योंकि आज पापा का लंच क्या बोलते हैं ऑफिस में, और मम्मा घर का पूरा खाना बन गया, मेरे को पसंद नहीं आया, तो अभी हम मना किस लेने आएंगे, कॉपी राइट आ जाएगा पापा, म्यूजिक बंद करते नहीं आएगा। तो चलिए विराज तो आ गया और उसके सब थैले मैंने उठा लिए मैक्स से, विराज तेरे लिए शॉपिंग भी कर ली मैंने, और एक बेल्ट भी लिया है, और आराम से आराम। तो हम लोग आए हैं केयरफोर में मनाकिस लेने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है मनाकिस जाता और मनाकिस चीज विराज को। रोने हैं तो सुई
फ्रेश ही है ये थोड़ी ना कोई जो तो वो तो गरम कर सकते हैं ना ओवन नहीं नहीं ओवन तो क्या कौन सा लेना है उसको बोलो फ्रेश है क्या ये फ्रेश ही होगा वो थोड़ी ना तेरे लिए अभी गरम गरम बनाएगा ये गरम ही करना पड़ेगा ना घर पे जाके चलो बस ले लो एक ही लेना है मेरे को दो खाना है नहीं नहीं वो ले लो ऊपर का बड़ा वाला नहीं नहीं एक किलो तो चलिए विराज का मना किस ले लिया है हमने अभी जाते हैं घर पे चलो बिल तो वहाँ पे ही होगा ओके चलिए तो चलिए अभी जाते हैं घर पे बिलिंग करवा लेते हैं अभी हमारे घर पे हमें नीचे ही रिनेल मिल गई और हम लेके आए यहाँ पर और विराज देखे उसको उठाने की कोशिश कर रहा है विराज देखो रोने लगी तेरे नीचे ही रख दो विराज वो नीचे खेल रही थी ना नीचे रखो विराज नीचे रखो रिनेल रिनेल गुड़िया रानी गुड़िया छोटी सी गुड़िया गुड़िया नहीं 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 अभी वो खेल रही है ना तो क्यों उठाना है विराज तू उसके आंखों से दूर हो जा उसको देखना है वैसे सब जगह देखो वो देखती है सब जगह रिनेल सब जगह देखती है तो मैंने रिनेल को अभी छोड़ दिया उसके घर क्योंकि विराज उठा उठा के ले रहा है और मेरा मुझे डर लग रहा है कि गिरा ना दे तो अभी छोड़ दिया है और मैं से लेके आई हूँ ये विराज का विराज के लिए लिया है बेल्ट लिया है स्कूल में पहन के जाता है वो तो ये तो सब घर की चीज़ें रहती हैं और हमारा लंच रेडी है यहाँ पर विराज का मना किस गरम कर दिया है विराज और थोड़ा करना पड़ेगा और हमारा यहाँ पर पुलाव और कढ़ी भी रेडी है मैंने गरम कर लिया चलिए लंच कर लेते हैं अभी उसके बाद देखते हैं अभी डिनर का मुझे अंकित बोल के गए पनीर टिक्का ऐसा कुछ करना है तो वो मैरिनेटेड पनीर सब करना पड़ेगा तो देखती हूँ अभी खाना खा लेते हैं उसके बाद वापस पनीर का वो सब रखना पड़ेगा थोड़ा टाइम तो अच्छा लगता है मैरिनेट करके तो पहले लंच कर लेते हैं हम दोनों तो अभी बच गए कितने बजे बता नहीं बज गए और विराज खा रहा है वाटरमेलन डिश मैं उसके लिए लेके आई क्योंकि अभी ज़्यादा लेके आएंगे खाएंगे नहीं पड़ा रहेगा खराब हो जाता है इसलिए उसको जितना खाना है उतना ही लेके आती हूँ मैं उसको बहुत पसंद है वाटरमेलन उसको फ्रूट में बहुत कम चीज़ें पसंद है फ्रूट में कौन सा फ्रूट भी बनाना मैंगो वाटर तीन चीज़ें ही पसंद है तो
इससे पहले भी वो लुलू में मेरे साथ आया तभी भी बोला था मम्मा लेके दे, मैं बोली यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो अभी मैं पनीर लेने गई ना तो लेके आई उसके लिए, अच्छा था इसलिए। तो चलिए बारबेक्यू पनीर टिक्का का सब रेडी कर लेती हूँ, सब कुछ लेके आई जो चीज़ें नहीं थी, पनीर कैप्सिकम और उसके साथ साथ पनीर टिक्का। तो वीराज खाएगा, कितना खाएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं, पर साथ में कुछ और भी बनाना पड़ेगा। तो मैं सैंडविच बनाऊंगी, सैंडविच पर मैं वो आलू वाली नहीं बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ डिफरेंट सब, एकदम कॉर्न कैप्सिकम ऑनियन बहुत ही अच्छा लगता। तूने पहले खाया था ना एक दिन, हमने बनाया था पापा ने मिक्स वाला। ओके चलिए बनाते हैं, रेडी करके रख लेते हैं क्योंकि ये तो अभी नहीं खाएंगे, पनीर टिक्का वीराज को सैंडविच पहले खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा लेजी हो गई थी तो लेट हो गया, वरना पहले बनाना था, दोपहर को ही बना के रख देना था मुझे, मैरिनेट करके पनीर सब कुछ, पर अभी चलो अभी बनाते हैं। तो पहले मैं खाना बनाने का स्टार्ट करूँ, उससे पहले 7 बजने को है तो पहले भगवान जी को दिया लगा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने सब चॉप कर लिया है, ऑनियन कैप्सिकम पनीर, और यहाँ पर मैंने दही पहले से ही करके रखा था, ये देखिए पानी निकल गया है पूरा, और ये सब रेडी है, अभी मसाला करते हैं। सब कुछ 8:30 बजे तक तू बराबर होमवर्क कर, 15 मिनट बैठ के होमवर्क करना, फटाफट जाना विराज, चल चल चल। अभी क्या करना है तुझे विराज, कल खाना, अभी आज वाटरमेलन खा लिया ना, तू कितना बदमाश है। चल विराज 1 आवर कंप्लीट होमवर्क करना विराज, क्यों मस्ती करता रहता है, ये बैठता नहीं है ज्यादा टाइम, एक दो लाइन लिखेगा खड़ा हो जाएगा, एक दो लाइन लिखेगा। देखिए उसकी राइटिंग देखिए, बहुत ही सुंदर है, सुंदर, पर ये लड़का करता नहीं है, इतनी सुंदर राइटिंग है तो पूरा बुक भर दे लिख लिख के, भरता ही जा। कौन सा आंसर, चलिए अभी सैंडविच बनाएंगे और वीराज को खिला देती है, अभी 8:30 बजने को है। Thank you.
पहले मैंने ऐसा ही कर लिया, अभी थोड़ी देर चलिए अभी सैंडविच बना देती हूँ। अभी बन रही है सैंडविच और विराज पहले उसने खा लिया है पनीर, अभी खा रहा है सैंडविच, तो अभी वो खाना खाने बैठ गया है और टीवी देख रहा है। हेलो वेलकम गाइस। सो आज बहुत लेट हो गया, आज बहुत लंबा डे था ऑफिस में। अभी बज चुके हैं रात के 2:30 बजे आया हूँ मैं, आज बहुत ही काम था। ये देखिए यहाँ पे बना रही है मेरी बीवी पनीर टिक्का। थैंक यू सो मच, मुझे इतने रात को तू खाना बना रही है मेरे लिए। और ये देख सकते हो आप पनीर टिक्का कितने बढ़िया बनाए। मैंने इसको बोला था कि तू पनीर टिक्का बना देना, अभी बारिश भी हुई है अच्छी खासी तो मजा आएगी। है मुझे पता ही नहीं है, मैं बाहर नहीं निकली हूं, बाहर बारिश हुई है, एक घंटे से बारिश हो रही थी और मस्त एकदम ठंडा क्लाइमेट हो गया, तो बहुत ही मजा आएगा अभी खाने में। कब से वेट कर रही थी पर विराज तो सो गया। चलिए आप भी आ जाइए ज्वाइन कर लो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं फ्रूट खा रही हूं जी, हमारी फेवरेट चीज। इनका हो गया है डिनर, विराज भी सो गया है। बाद में मैं तब तक डिनर खत्म करता हूँ, देखते हैं कैसे बना पनीर टिक्का, आपको बताऊंगा बाद में।